सोचें कि आप गंजे हो रहे हो, बाल लगातार झड़ रहे हो और आपको कोई बाल वापस लाने का तरीका बता दे। अब तक बहुत सारे नुस्खे बाजार में चल रहे हैं, लेकिन अब एक अमेरिकी करोड़पति बिजनेसमैन ने इसका फॉर्मूला शेयर किया है। उनका कहना है कि उन्होंने खुद अपने सर से गिरे हुए बाल वापस उगा लिए हैं। दरअसल ये टेक मिलियनेयर अपनी एंटी एजिंग के लिए पहले से ही इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। उन्होंने अब दावा किया है कि वो बाल वापस उगा सकते हैं। उन्होंने इसकी प्रक्रिया भी सबको बता दी है और अब इस वजह से वो फिर एक बार सुर्खियों में है। नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल और कौन है ये करोड़पति, साथ ही उन्होंने बाल वापस उगाने के कौन से तरीके सबको बताए हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो हम बात कर रहे हैं अमेरिकी बिजनेसमैन ब्रायन जॉनसन की। ब्रायन जॉनसन एक बार फिर चर्चा में है। अमर होने की कसम खा चुके ब्रायन जॉनसन जवान दिखने के लिए अपने ऊपर महीने के करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। हाल ही में उन्होंने अपना प्लाज्मा एक्सचेंज भी करवाया था और इसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी। अब ब्रायन जॉनसन ने अपने नए पोस्ट से लोगों को चौंकाने का काम किया है। ब्रायन जॉनसन का नया पोस्ट उनके बालों को लेकर है, जो कि खूब वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में ब्रायन जॉनसन ने अपनी दो तस्वीरें शेयर की और इनमें फ़र्क बताया है। अपने एक्स पोस्ट में ब्रायन जॉनसन ने लिखा है कि जेनेटिकली मुझे गंजा होना चाहिए, मेरे बाल झड़ने लगे थे और 20 की उम्र से पहले ग्रे भी होने लगे थे। अब मैं 47 का हूँ और मेरे सारे बाल हैं और मेरे 70% सफ़ेद बाल काले हो चुके हैं। उन्होंने आगे इसका राज भी लोगों को बताते हुए लिखा, यहाँ जाने मैंने ये कैसे किया। अपने एक पोस्ट में ब्रायन जॉनसन ने अपने हेयर ट्रीटमेंट का एक ब्लूप्रिंट भी जारी किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ों ने इस बायोहैकर के बाल वापस ला दिए हैं। उनके बालों को बहाल करने में सही तरीके से विटामिन और पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना, खासकर प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड के उपयोग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ उन्होंने अपने जीन्स में थोड़ा बदलाव करने के लिए मेलाटोनिन, कैफीन और विटामिन D3 का फॉर्मूला भी बनाया है। ब्रायन जॉनसन ने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रेड लाइट थेरेपी भी शामिल की, यहाँ तक कि पूरे दिन इस उपचार को करने के लिए एक टोपी भी पहनते हैं। जॉनसन ने अपने खाने में एक और महत्वपूर्ण बाल झड़ने वाली दवा ली, जिसे ओरल मिनोक्सिडिल बताया गया। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इसके कम खुराक ही सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेने से इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा हेयर ग्रोथ और तो और सिर दर्द भी शामिल है। अपनी अंतिम नोट में उन्होंने कहा है कि मैं कई कंपनियों के संपर्क में हूँ जो नए बाल पुनर्विकास उपचार बना रही है। ये बहुत ही आशाजनक और रोमांचक है। वो अभी भी सालों दूर है, लेकिन ये सोचना अच्छा है कि बाल झड़ना अब ऐसी चीज़ नहीं रह गई है जिसके बारे में हमें सोचना है। उन्होंने पोस्ट का निष्कर्ष निकाला और लिखा, ये एक ऐसी वजह है जिससे उनको लगता है कि भविष्य अद्भुत होने वाला है। बता दें कि करोड़पति ब्रायन जॉनसन हर साल अपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स पर $2 मिलियन से भी ज़्यादा खर्च करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं या नहीं, या फिर पूरी प्रक्रिया को उलट सकते हैं या नहीं। इसमें वो अपने खाने, सोने, एक्सरसाइज से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। बता दें कि ब्रायन जॉनसन ने 30 साल के आसपास ही अपनी किस्मत बना ली थी, जब उन्होंने अपनी पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी ब्रेनट्री पेमेंट सॉल्यूशंस को ईबे को $800 मिलियन कैश में बेच दिया था। अब उनकी संपत्ति $400 मिलियन से भी ज़्यादा है। ब्रायन जॉनसन बढ़ती उम्र को धीमा करने के लिए, या फिर ऐसा कह दे कि एंटी एजिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रसिद्ध है। ब्रायन जॉनसन के इस एक्सपेरिमेंट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज़ कनेक्ट पर। न्यूज़ कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज़ कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।